तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आगे मैं कौन नई वीडियो में आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं हिल क्लाइंब रेसिंग। अब जिसमें कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने द रॉकेट को चलाया था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं था भाई, बहुत ही ज़्यादा लो पावर था और मतलब उड़ भी नहीं पा रहा था। मतलब नाम तो इसका रॉकेट है, इसको हवा में उड़ना चाहिए बट नहीं उड़ पा रहा था भाई। मैंने म्यूटेंट को ओपन कर लिया और इसको मैं चलाने वाला हूं न्यू मैप में जिसका नाम है बॉगलैंड। अब ये पता नहीं कैसा नाम है बॉगलैंड, इसका नाम क्यों, इसका मतलब क्या ऐसा सीन है इसमें कि इसका नाम बॉगलैंड रख दिया गया। तो यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, उस तरफ सूखे सूखे पेड़ है जिसमें काफ़ी छोटी छोटी लीफ है, मतलब काफ़ी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वाला मैप है। ओके ये दलदल टाइप का है। ओके 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 मैं समझ गया, वह इसका नाम ना मड भी हो सकता था ना, मड लैंड या फिर दलदल को क्या ही बोलते होंगे, शायद बॉग ही बोलते होंगे या फिर पता नहीं भाई, मुझे दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते वो नहीं पता। खत्म। यहाँ पे अपना काम तमाम इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरी पावर, मतलब जो मेरी म्यूटेंट थी भाई, ये अपग्रेडेड नहीं थी, इसलिए काफ़ी जल्दी यहाँ पे नीचे गिर गई और खाई में बिल्कुल, मतलब दलदल भाई धस्ती गई दलदल के अंदर। और अभी मैंने इसको फुल अपग्रेड कर लिया मैक्स और अभी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी दलदल के अंदर फंसने वाली है। और देखो अभी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, अभी स्पीड भी अच्छी खासी इसकी हो चुकी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप कितना ज़्यादा है, मतलब इसके दोनों टायर हवा में ही होते हैं, देख रहे हो दोनों टायर बिल्कुल हवा में होते हैं, दोनों टायर में सिर्फ बॉडी हवा में होती है और टायर बिल्कुल ज़मीन पर होते हैं। और देख रहे हो उसकी मतलब सस्पेंशन तो दिखते ही नहीं है, इसकी स्प्रिंग वगैरह सॉकअप वगैरह कहाँ है दिख ही नहीं रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा, कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं भाई दोनों के बीच में, मतलब कितना ज़्यादा गैप लगता है टायर और पूरी बॉडी के बीच में। बट काफ़ी अच्छा ये जो भी व्हीकल है इसी वाले मैप में चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है ये, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और वैसे भी भाई अपने को ऐसा ही व्हीकल चाहिए था जो कि दलदल में फंसे ना, जो कि ये है बिल्कुल। अब बिना अपग्रेड के इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था बट अपग्रेड करने के बाद आप देख सकते हो इतना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भाई कुछ ग्राउंड के अंदर दबा भी है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है यार कि एक जगह पे अपन ज़्यादा देर तक अगर रुके तो वो नीचे धंसती जाएगी भाई, वो ज़मीन और नीचे घुसती जाएगी, मतलब ये पूरा ही दलदल टाइप का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्सी टाइप का लगा है ना, अब ये इसको पत्थर ही बोलते होंगे, स्टोन टाइप का लगा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि देखो वहाँ पे होने लगी है जहाँ पे ये पत्थर नहीं है, बट जहाँ पे ये पत्थर है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसलिए गाइस यहाँ पे क्योंकि पत्थर पे आपको पता होगा कि पत्थर नहीं घुसेगा इतनी जल्दी ज़मीन के अंदर, बट भाई जहाँ पे कीचड़ जहाँ पे मड है ना वो घुस जाता है। ये देखो इस मतलब पूरे पत्थर को ही मैंने मतलब ज़मीन के अंदर घुसा दिया भाई, इतनी जोर से मैंने उसमें टक्कर मारी है। हट गया, यहाँ पे मेरे व्हीकल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा व्हीकल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा है आगे की तरफ, और चलना भी चाहिए भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने व्हीकल को। देखो कितना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और ऐसा ही चलना चाहिए, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस तरफ ना आपको कौवा भी दिख रहा होगा बैठा पेड़ के ऊपर, हाँ वो कौवा ही है भाई, कौवा ही है वो, मतलब ऐसा बुरा बना रखा। और मेरे पीछे भी मधुमक्खी पड़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, हनी बीज मेरे पीछे पड़ चुकी है, बट भाई ठीक है इनसे भी मैं पीछे छुड़ा लूँगा, अरे सबसे पीछे अपन छुड़ा लेंगे। ये अच्छा है कि मुझ पर अटैक नहीं करती, मुझे काटती नहीं है, मुझे फॉलो करती है, अगर काटेगी तो भाई फिर काम तमाम, बच ही नहीं सकता है बंदा भाई, अगर काट लेगी ना तो फिर बच ही नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मुझे चलाना पड़ेगा। अरे आपने गाइस देखा क्या हुआ, ना गाड़ी बल्टी ना कुछ हुआ और मैं आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं 1679 मीटर तक पहुँचा जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। अब मैं खोल रहा हूँ लग्जरी कार को, इसको मैं चलाऊँगा एक न्यू मैप में। लग्जरी कार तो भाई देख के पता चल रहा है बिल्कुल सोने से बनी दिख रही है मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलने वाली है, सबर्स में चलाने वाला हूँ मैं इसको। हाँ बट ये कौन सी कार आ गई, मैंने तो लग्जरी कार ओपन करी थी, ये लग्जरी कार है क्या, ये तो मुझे लग्जरी कार नहीं लग रही है, गलत चीज़ आ गई भाई, मुझे लग्जरी कार लग दो, शायद मुझे इसको फुल अपग्रेड करना पड़ेगा तब आएगी क्या ये लग्जरी कार, क्यों नहीं आ रही है सबर्स में मुझे पता नहीं चल रहा है भाई। मैंने यार एक बार मैं और फिर से चेक करा बट फिर से यही कार कैसे आ गई मुझे, बना भाई इसमें लग्जरी कार चाहिए थी और ये कौन सी कार आ गई, ये तो वो वाली है भाई, इसका खैर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट इसको अपन ने उसमें चलाया था रोलर कोस्टर में, इतना मुझे याद है कि इसको मैंने रोलर कोस्टर में चलाया था बट इसका नाम याद नहीं आ रहा है। पर उस टाइम तो इसकी मतलब सॉकअप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी, इसको मैंने फुल अपग्रेड कर लिया था, अब ये बिल्कुल नीचे हो चुकी है, शायद ये अपग्रेड नहीं है क्या, अपग्रेड तो खैर मैंने इसको किया था, मुझे याद है फुल अपग्रेड मैंने किया था इसको रोलर कोस्टर में, और भाई मैं गलत याद नहीं कर रहा हूँ, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने इसको रोलर कोस्टर में चलाया था 100% में श्योर हूँ कि भाई मैंने इसको रोलर कोस्टर में चलाया था, मुझे भाई मेरे ऊपर एक भी डाउट नहीं है, मुझे याद है और मैंने इसको फुल अपग्रेड भी किया था। और यहाँ पे पंछी भी मुझसे टकरा रहे हैं और पंछी की वजह से ही बिल्कुल नीचे गिर गया, तो मैं इसमें पहुँचा 592 मीटर तक अभी सबर्स में ये वाले व्हीकल से। अब सोच रहा हूँ कि लग्जरी कार को फुल अपग्रेड करते तो शायद ये लग्जरी कार इसमें चल पाए, मुझे नहीं पता लग्जरी कार चल क्यों नहीं पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वाले मैप में, और शायद ये इस वाले मैप में चलने के लिए बनी ही नहीं है, इस वाले मैप के लिए सिर्फ यही वाला व्हीकल बना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ देखो मैंने फुल अपग्रेड कर लिया फिर भी मुझे यही वाली कार चलाने को मिले, तो इसका मतलब यही है कि भाई लग्जरी कार को मुझे किसी और मैप में टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस वाले मैप के लिए सिर्फ यही कार है,
और कोई सी भी इसमें नहीं चलने वाली, किसी को भी मैं खोल लूँ बट मैं चलेगी नहीं। और यहाँ पे मुझे स्कैन वगैरह को कलेक्ट करना है जो कि शायद पूरा यहाँ पे गंदा पड़ा है। और भाई यहाँ पे मुझ पर ना पक्षी अटैक भी करता है, लास्ट टाइम को याद होगा कि उसने अटैक किया था, वो जो उस तरफ उड़ रहा है, देखो आप बैकग्राउंड में, वो जब उस बिल्डिंग की तरफ से उड़ रहा था भाई, वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर देता है, उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, वो गिरा देता है यार अपने को ऐसा अटैक करता है। वो फिर से मेरी तरफ ही आ रहा है, वो देखो उड़ रहा है आसमान में, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने एक बार भी मुझे टक्कर मारी तो भाई मेरा काम वहीं पर तमाम हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार टक्कर मारता है। और भाई इस बार तो बिना टक्कर के मैं इस गटर में आके गिरा भाई, कितनी गंदी जगह, मतलब वो गटर का पानी ना मेरी गाड़ी के ऊपर से बहने लगा था। तो ठीक है, अभी लग्जरी कार को हम चलाने वाला हूँ नेक्स्ट वाले मैम में, जब तक मैं सोच रहा हूँ ये टेरेंटुला नाम है, वैसे तो एक मकड़ी होती है टेरेंटुला, हाँ टेरेंटुला सुना है मैंने, और इसको मैं चलाने वाला हूँ एक्सन रूनन में, बस इसका एक्सन हीरो में, बट इसका नाम है टेरेंटुला, नहीं इसका नाम क्या है टेरेंटुला है, मतलब रियल वाली मकड़ी का नाम होता है टेरेंटुला, इसका नाम टेरेंटुला है। अरे काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रही, उधर लिखा है फॉलीवुड, अब बॉलीवुड बॉलीवुड हो सकता है, टॉलीवुड हो सकता है, बट भाई फॉलीवुड या हॉलीवुड भी हो सकता है, बट इसका नाम है फॉलीवुड, तो मैं मतलब नाम वगैरह सब मतलब कॉपी किए गए हैं, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको अलग थोड़ा थोड़ा सा अलग बना दिया गया है, ये समझने वाला बंदा समझ जाए, जो इंडिया से होगा बॉलीवुड समझेगा, जो उधर से होगा मतलब अमेरिका तरफ से वो हॉलीवुड समझेगा, तो ऐसा कुछ इनको बना रखा है, बट इसका नाम फॉलीवुड है। और ये व्हीकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, टेरेंटुला तुझसे तेज़ चलती है, टेरेंटुला क्या नाम रखा है भाई, ऐसे इतने स्लो नहीं चलनी चाहिए, तो मैंने इसको फुल अपग्रेड कर लिया, अब शायद इसकी स्पीड मैक्स हो जाए और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाए, अब चला के देखते हैं। हाँ फास्ट तो हुई है पर उतनी ज़्यादा नहीं, ये क्या ऐसी फास्ट क्या हुई भाई, मतलब मुझे लगा था अपग्रेड करूँगा तो बहुत ज़्यादा रॉकेट की स्पीड चलेगी भाई, ये क्या है ये, इसका नाम कछुआ रखो भाई, इसका नाम टर्टल रखो, ये काफ़ी गलत नाम इसका रख दिया गया यहाँ पे। और पेड़ भी आप देख सकते हो, जैसे ही पेड़ के ऊपर जाता हूँ एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, एक्शन हीरो नाम है इस वाले मैप का, और भाई नाम जैसा बिल्कुल इसका काम भी है, जैसे ही मैं ट्री के ऊपर जाता हूँ ब्लास्ट होता है, हो रहा है ना ब्लास्ट, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है वैसे चलाने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि जानबूझ के आउट हो जाऊँ, हाँ जानबूझ के ही हो जाता हूँ, वैसे तो ये आउट होने नहीं वाला है, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा, थोड़ा भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे इसको चलाने, देख रहे हो ना इस पत्थर के ऊपर से भी चल रही ठीक से, खत्म, अब जाऊँगा मैं, ख़त्म भाई ख़त्म। अब 169 मीटर तक मैं पहुँचा उस टेरेंटुला से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, इसको क्या ले आके रख दिया, ऐसे तो किसी सांप को भी ला के रख देते, उसके सर पे बैठ के अपन चलते हैं, तो मैं इसको लग्जरी कार को इसमें एक बार और क्रैश करने वाला हूँ, क्योंकि लग्जरी कार को मैंने एक बार भी नहीं चलाया है, जिसने चलाने वाला था सबर्स में इसमें ये चली नहीं रही थी, तो एक्शन हीरो में ही चला लेते, और भाई ये क्या, वो लग्जरी बंदा तो उड़ गया भाई, पता नहीं कहाँ गया, वो उड़ के जो पीछे स्विमिंग पूल में बैठा था अपना वजह से मौज काट रहा था इस वाली कार के अंदर, भाई अपना ड्राइवर बस उसका रह गया, और वो वहाँ से उड़ के भाई पता नहीं कहाँ जाके गिर चुका है, दिख भी नहीं रहा है, ऐसा ही होता है ना भाई, बिल्कुल काम नौकरों पे छोड़ दोगे, और भाई चलती कार में तुझे स्विमिंग पूल की क्या ज़रूरत है, तो अपने घर वगैरह में स्विमिंग पूल बना के उसमें आराम से नहा तैर जो मर्जी वो कर, और भाई मतलब चलती कार में मतलब शौक है ना बंदे की, गया सब ओके 406 मीटर तक मैं इसमें पहुँचा हूँ, बट एक बात अच्छी है कि जैसे कहते आपको याद होगा कि जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं मतलब उनकी छत टूट जाती है, बट इस वाली गाड़ी की छत नहीं टूटती है, जिससे अपना जो प्लेयर होता है वो अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, अंदर प्रोटेक्ट रहता है, बट भाई ये आउट कर देते हैं, जैसे ही कार उल्टी होती है तो ये आउट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि भाई आउट तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में चलाने वाला हूँ फास्ट कार को स्पेस मिशन में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें चलाने में, तो अगर आपको आज की वीडियो में आएगा मज़ा तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट बताना कि आपको एक्शन हीरो वाला मैप कैसा लगा जिसमें भाई ट्रिप ब्लास्ट होते बम के जैसे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।